हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बेबी फ्रॉक बनाना बताएंगे, जिसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है। सबसे पहले देखिए, कपड़े को हम दो लेयर में रख लेंगे। और उसके बाद यहाँ से अपनी लेंथ नापेंगे। देखिए, इसकी जो लेंथ तैयार रखेंगे वो हम 27 इंच रखेंगे। तो 1 इंच इसमें हमने एक्स्ट्रा लिया है, जो नीचे से फोल्ड होगा और 1/2 इंच ऊपर हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो यहाँ इतना इसे सीधा कट कर लेंगे। अब देखिए, इसको हम फोर लेयर में रख लेंगे। इस तरीके से। और इसके बाद में हम इसमें अपना गला और आर्म होल कट करेंगे। जो ऊपर से हम अपना तीरा लेंगे, वो हमारा तीरा है 12 इंच, तो 12 का 1/2 लेंगे, यानी कि 6 इंच यहाँ से इसे ले लेंगे। और इसका आर्म होल लेंगे, वो भी हम 6 इंच लेंगे। देखिए, यहाँ से भी हम इसे 6 इंच ले लेंगे इस तरीके से। और इसमें इस तरीके से कर्व दे देंगे। और उसके बाद इसमें अपना गला लेंगे। गला ऊपर से हम 2.5 इंच लेंगे, 2.5, और नीचे से भी इसे हम 2.5 इंच लेंगे। और इसे इसके साथ इस तरीके से राउंड शेप ला देंगे। इसके बाद जो भी आपकी फिटिंग हो उसका 1/4 भाग लें। तो हमारे जो ब्रेस्ट है वो 28 इंच है, 28 का 1/4 भाग 7 आएगा। तो 7 पे हमने 1 इंच कपड़ा लूजिंग के लिए ले लिया है, तो इसे यहाँ से 8 इंच लेंगे। और यहाँ से देखिए, इससे 5.5 इंच नीचे हमें 1 इंच घटाना है, तो यहाँ से हम इसे 7 इंच लेंगे। ऊपर से हमने 8 लिया है, तो यहाँ से 7 लेंगे। और इसे यहाँ से टोटल आर्म होल के नीचे से लेना है हमें 11 इंच। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे सीधा मार्क कर लिया है। और इसके बाद में ये हमारा यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएगा। आपका जितना कपड़ा है उस हिसाब से घेरा ले लें। और भी ज़्यादा अधिक घेरा चाहिए तो आप नीचे से और भी घेरा ले सकते हैं। यहाँ से हमारी फिटिंग जाएगी। फिटिंग के लिए हमने ज़्यादा कपड़ा नहीं रखा है, थोड़ा ही रखा है। अब इसे सबसे पहले देखिए, हम कट करेंगे यहाँ से गले की तरफ से शुरुआत करेंगे इसकी। अब ये बाहर से कट कर लेंगे। अब देखिए, कट हो चुका है, इसको हम खोल लेंगे। अभी देखिए, जो यहाँ से हमारा आर्म होल है, यहाँ से इसे इस तरीके से इस शेप में मिलाना है। और ये गले तक यहाँ तक करना है और ये कट कर देना है हमको। इस तरीके से देखिए, ये हमारा कट हो चुका है। अब इसके बाद में हमें जो इसमें से कपड़ा है उससे हमें इसके लिए झालर बनानी है। ये देखिए, हमने एक कपड़ा कट किया है, चौकोर कपड़ा है ये हमारा। इसको हमें सबसे पहले इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें ये 1.5 इंच लेना है और 1.5 इंच हम इधर से ले लेंगे। और इसे इसके साथ इस तरीके से मिला देंगे। और जितना देखिए यहाँ से है इसकी लेंथ नाप लेंगे हम। यहाँ से बची है इसकी 3.5, तो इसके बाद में हमें ये चारों तरफ से 3.5 ही रखनी है। अब देखिए, सबसे पहले हम ये अंदर की तरफ से इसे कट कर लेंगे और फिर वो भी कट कर लेंगे। अभी देखिए, इसी तरीके से हमें 3 पीस और कट करने हैं। जितना उसके ऊपर आ जाए इस तरीके से हमें कट करने हैं। और इसे यहाँ से इस तरीके से कट कर लेंगे और फिर ये एक दूसरे के साथ हम जॉइंट करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमें इसको
जॉइंट करना है। ये हमारा सीधा है और इधर से भी सीधा है, तो इस तरीके से इसे सिल लेंगे अच्छे से। अभी देखिए इसको हल्का हल्का सा नीचे की तरफ से हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ये ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है हमको, बिल्कुल ज़रा सा फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो इस पे पीको भी करवा सकते हैं, लेकिन हम इस पे पीको कराएंगे इसलिए इसे फोल्ड नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही रखेंगे। और ये जो अंदर की तरफ से घेरा है इसमें हम एक बड़ी सिलाई, बड़े नंबर से सिलाई लगा लेंगे। इसमें गैदर्स डालनी है हमको। अब देखिए इस पर हमने बड़े नंबर से सिलाई लगा ली और इसका एक धागा खींचते हुए इसमें हमें गैदर्स डालनी है। ये बिल्कुल धीरे धीरे डालनी है, धागा ना टूटना चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे। इसमें पूरे में हम जितना हमारा कपड़ा है उस हिसाब से इसमें गैदर्स डाल लेंगे। अभी देखिए इसमें हमने गैदर्स डालनी है, इसके बाद में हमें इसको जॉइंट करना है। सबसे पहले जो हमने फ्रंट और बैक पीस कट किए हैं, तो हमें ये रॉन्ग साइड से टर्न करना है। देखिए ये हमारा सीधा है भीतर की तरफ और बाहर की तरफ से उल्टा है, इसमें हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ। अभी देखिए हमने जॉइंट कर लिया है दिया, और इसके बाद में हमने एक और में पट्टी कट की है। इस पट्टी को हमें इस आर्म होल की साइड रखना है सबसे पहले। अब देखिए ये पट्टी हमने लगा ली है, इसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये हमें पूरे को फोल्ड कर लेना है इसी तरीके से। इसी तरीके से ये पूरे को हमने फोल्ड कर लिया है। अभी देखिए हमने उल्टा रख लिया है इसको, और ये जो हमने गैदर्स डाल के पट्टी तैयार की है इसको भी हमने उल्टा रख लिया है, और इसके ऊपर इसे सिलना है सबसे पहले। हमारा ये कपड़ा भी उल्टा रखा है और ये पट्टी भी उल्टी रखी है। सिलाई को बिल्कुल बराबर चलाना है, कम ज्यादा नहीं करना है। इसी तरीके से ये हमें पूरे में जॉइंट करनी है। अभी देखिए हमने लगा लिया, इसको हमें पलट करके सीधी साइड कर लेना है। अभी देखिए सीधा करने के बाद इसमें हमें सिलाई लगानी है, इस तरीके से हमें सही करते हुए सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। इसको इसी तरीके से अच्छे से सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हमने पूरे में लगा के तैयार कर लिया है। और इसके बाद में देखिए अब ये हमें सिलना है। अभी देखिए ये यहाँ से हमें ये इस तरीके से पकड़ना है और पूरे को सिल लेना है। फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, फिटिंग आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से कर सकती हैं। ये इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी, इस तरीके से मैं इधर लगा रही हूँ। अभी देखिए यहाँ पर तो हमने सिलाई लगा ली, और इसी तरीके से ये दूसरी साइड जो हमने आर्म होल बनाया है इस तरीके से ही हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है फिटिंग की। अभी देखिए ये हमने लगा के तैयार कर लिया, और नीचे की तरफ से इसे हाफ इंच फोल्ड कर देंगे इस तरीके से इसे। ये देखिए ज्यादा फोल्ड नहीं करना है हमें, हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और इस तरीके से हल्का
हल्का हल्का फोल्ड करना है पूरा ही, और इसे खींचे ना हल्के हाथ से फोल्ड करें। तो ये देखिए, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमने दो स्ट्रिप बनाई है इसमें डोरी बांधने के लिए। तो यहाँ से देखिए, ये हमने इस हिसाब से लेना है, जैसे हमने तीरा लिया था ऊपर से, उस हिसाब से यहाँ पर हम ये 5.5 इंच पर लगाएंगे। एक यहाँ पर आएगी और दूसरी इस पर ही लगाएंगे, इस तरीके से ये दोनों यहाँ पर आएंगी। अब ये देखिए, इस तरीके से इसकी लुक आई है। इस पर हम पीको करा लेंगे। ये इस तरीके से बन के तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।